जारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य और सांसद विजय हांसदा ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी पूरी कहानी बनाकर प्रचार कर रही है, जो बातें राज्यपाल को नहीं पता वह बीजेपी को पता है। सांसद विजय हांसदा ने कहा, निर्णय जो भी आए उसके लिए हम तैयार हैं। पूरे देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, हम लोगों को न्याय पर भरोसा है। मुख्यमंत्री के साथ पूरा महागठबंधन मजबूती से खड़ा है। कोई कुछ भी कर ले, सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। 2019 में हम लोगों ने उनको हराया, चार चार उपचुनाव में मुंह की खाई, जितना षड्यंत्र करना हो षड्यंत्र करे, क्योंकि जिन पुलिस कर्मियों को 20 साल से रघुवर जी और उसके पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रुलाने का काम कर रही थी, आज उनके मुंह में जो खुशी आई है वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा आया। इस देश के कानून पे हमें पूरा भरोसा है और न्याय हमें मिलेगा, इसका भी हमें पूरा भरोसा है। और जो बातें आ रही है कि सरकार गिर सकती है, उस पर बहुत ही स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि हमारे तमाम नेता बहुत ही मजबूती के साथ, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य के लिए लगातार जो जनादेश हमें मिला है उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा विश्वास उन पर और मजबूत। और साथ ही साथ मुझे लगता है इस राज्य की जनता का भी विश्वास उन पर और मजबूत होता चला जा रहा है। हम निरंतर जब भी रांची में होते हैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ निरंतर हमारी हमेशा मुलाकात होती है। किसी तरह की कोई रणनीति नहीं, कोई ये नहीं, हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और आज एक कल कैबिनेट में एक तोहफा दिया गया था यहाँ के हमारे जिले के पुलिसकर्मियों को, पुलिस के पदाधिकारियों को। आज सभी लोग जश्न मनाने आए थे, खुशी मनाने आए थे, अबीर गुलाल लगाया, मिठाइयाँ बांटी। देखिए, ये महाभारत का काल नहीं है और अभिमन्यु ने माता के गर्भ में सिर्फ चक्रव्यूह को भेदने का रास्ता सुना था, लौटने का रास्ता नहीं सुना था। ये आधुनिक अभिमन्यु है और निश्चित रूप से अर्जुन के माध्यम से अभिमन्यु को भेदेगा भी और भेद कर वापस लौटेगा भी। बढ़िया चलेगा, बढ़िया चलेगा। ना ना ना, कुछ नहीं, बढ़िया से चलेगी सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। कल क्या काल नहीं, कुछ मीटिंग बुलाई गई? नहीं 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 बुलाया। ऐसे अपना दल के लिए बुलाता है अलग बात है, लेकिन सब ठीक ठाक है। हम लोग 50+ है, 50+ है जी। इस बीच हेमंत सोरेन ने जो हम लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा आग से खेलने हमारा पुराना शौक है, यानी वो ये सब मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग कितने तैयार हैं? हम लोग उनके साथी हैं, उनके सिपा सालार हैं, तो हम लोग भी उनके साथ हैं। हेमंत सोरेन के साथ पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरे कांग्रेस, पूरे राजद, पूरे झारखंड के आवाम एक पाँव में खड़ी।